हेलो दोस्तों, तो मैं अंशुमान स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो लेक्चर में। ये जो वीडियो लेक्चर है ये मतलब कोई स्ट्रेटेजी नहीं है और ना कोई मोटिवेशन है, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ एक एक मतलब मैसेज है कि आप कुछ करने के लिए, मतलब कोई चीज़ सीखने के लिए आपको क्या चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और ये किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ जो तैयारी कर रहे हैं वही करें। कोई भी चीज़ आपको, मतलब कोई भी चीज़, एक छोटी से छोटी चीज़ अगर आपको जीवन में सीखनी है तो क्या चीज़ होनी चाहिए, उसके लिए क्या ज़रूरी है। बहुत छोटा सा शब्द है, सेल्फ असेसमेंट। मैंने यहाँ पे लिखा है ना, देखो, सेल्फ असेसमेंट इफेक्टिव लर्निंग मेथड, ठीक है ना। तो जो सेल्फ असेसमेंट है ना वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहले मैं इसके बारे में बताऊंगा, फिर मैं अपनी कहानी बताऊंगा, ठीक है। कुछ लोग मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे, तो मुझे ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग माने या ना माने, ठीक है जो वो मैं बता दूंगा कि मेरे साथ क्या हुआ था। और आप भी शेयर करें कि आपके साथ कैसा हुआ, क्या हुआ। अगर कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ है तो कमेंट में आप शेयर कर सकते हो, ठीक है ना। मैं उसको पिन करूँगा ज़रूर, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट का क्या मतलब होता है कि खुद का मूल्यांकन, ठीक है ना। खुद के मूल्यांकन का अर्थ ये है कि आप खुद को पहचानो कि आपको क्या चीज़ें आती हैं, क्या नहीं आती, आपके स्ट्रांग पॉइंट्स क्या हैं, वीक पॉइंट्स क्या हैं, और किस डायरेक्शन में आपको वर्क करना है, ठीक है ना। ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं हूँ, ठीक, मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ, मैं हूँ, मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आती ही नहीं है, ठीक, और क्लासिकल मैकेनिक्स मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसके क्वेश्चन मुझसे 2-3 दिन लगातार लगाओ तो मैं लगा दूंगा, ठीक है ना। ऐसा मान लीजिए आपके साथ, किसी के साथ ऐसा होता है, ठीक। अब क्या होता है कि वो क्या करेगा, जब जैसे उसने टाइम टेबल बनाया, उसमें EMT का भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का भी उसने टाइम टेबल लिख दिया, अभी क्या करेगा ना, वो क्लासिकल मैकेनिक्स लगाएगा लेकिन EMT उतने मन से नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि EMT उसका वीक पॉइंट है, लेकिन वो खुद से झूठ बोल रहा है कि नहीं, मैं इसको भी पढ़ूंगा, ठीक है ना। खुद को एहसास दिला ही नहीं रहे कि ये मेरा वीक पॉइंट है, ये मेरा स्ट्रांग पॉइंट है। जो स्ट्रांग है वो तो स्ट्रांग रहेगा, उसके इसके लिए अगर मैं थोड़ा कम मेहनत करूंगा तब भी वो बना रहेगा, लेकिन जो वीक है उसको अगर मैं एक्सेप्ट कर लूँ, नहीं ये मुझे वीक है और मैं इसको शुरू से पढ़ना शुरू करूँ, एक बेसिक चीज़ से शुरू करना, मतलब एक पढ़ना शुरू करूँ, तो क्या ये मुझे नहीं आएगी। मैं थोड़ा तो सीखूंगा, चलो मैं 8 महीने में, 10 महीने में, 1 साल में थोड़ा तो सीखूंगा, है कि नहीं है। जैसे मुझे क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं आती, ठीक है, मुझे देख लेता हूँ क्वेश्चन, मैं डर जाता हूँ। डर जाते हो ना क्वेश्चन देख के, डरते हो ना उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो देख के डर जाते हो ना, आपको पता नहीं चल पाता कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगाऊँ कौन सा नहीं लगाऊँ, ठीक है। तो आपका वीक पॉइंट है, उसको खुद को एहसास दिलाओ ना, खुद को कहो कि ये मुझे नहीं आती है, मैं क्या करूँगा, इसको बेसिक से सीखूंगा। तो सेल्फ असेसमेंट अगर आपको आ गया, आपने ये जानना सीख लिया कि क्या मुझे नहीं आता, ठीक है ना, अगर आपने ये जानना सीख लिया कि क्या आपको नहीं आता, उसी दिन से आपका इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा, ये आप लिख लीजिए, ठीक है ना। जैसे कभी भी किसी भी कोचिंग में चले जाओ, ठीक, रहेंगे उसमें मान लीजिए 200-500 बच्चे हैं, लेकिन सिलेक्शन कितने का होता है, सिर्फ 10 लोगों का। क्यों होता है ऐसा, कभी सोचा है कि क्यों 10 ही लोगों का सिलेक्शन होता है, आपका क्यों नहीं होता है, या किसी और बच्चे का क्यों नहीं होता है, सिर्फ उन्हीं 10 लोगों का सिलेक्शन क्यों होता है, ठीक है। पहला फैक्टर मैं ये मान सकता हूँ कि उन्होंने मान लीजिए 4-5 सब्जेक्ट ही पढ़े और उन्हीं 4-5 सब्जेक्ट से पेपर आ गया और उन्होंने अच्छा कर दिया, ठीक है। लेकिन ये हमेशा तो ट्रू होगा नहीं, ठीक है। ट्रू क्या है आपको बताऊं कि उन्होंने ये जाना, उन्होंने ये सीखा कि मैं अपना सेल्फ असेसमेंट कैसे करूं, कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है मेरे, कौन से टॉपिक हैं जो वीक हैं बहुत ज़्यादा, और मैं उनको इम्प्रूव करने के लिए कौन सी चीज़ें करूँ। उन्होंने अपना गेम प्लान अपने हिसाब से बनाया, खुद को जानते हुए, ठीक है ना। जैसे मैं ये नहीं जान सकता कि आपका क्या फेवरेट सब्जेक्ट है या आपका क्या वीक पॉइंट है, सही बात है, जब तक मैं आपसे बात नहीं करूंगा, जब तक मैं आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं करूंगा तब तक मैं आपको जान ही नहीं सकता, या आप नहीं बताएंगे तब तक तो मैं बिल्कुल नहीं जान सकता, सही बात है ना। जैसे आप पढ़ रहे हो मुझसे और मैं ये कह दूँ कि मैं कह दिया कि भैया EMT 3 घंटे पढ़ो और मैकेनिक्स 1 घंटे पढ़ो, ऐसे मैंने मान लीजिए कोई स्ट्रेटेजी या बता दिया कि ऐसे टाइम टेबल आप फॉलो करो, पता चला आपकी मैकेनिक्स वीक है, EMT आपकी बहुत स्ट्रांग है, आप EMT पढ़ते पढ़ते इसको और स्ट्रांग करते जा रहे हो और जो आपका मैकेनिक्स है उसको और आप गड्ढे में लेके चले जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने सेल्फ असेसमेंट नहीं किया, आपने खुद के हिसाब से अपने टाइम टेबल नहीं बनाया, आपने दूसरों को देख के बनाया, ये तो करना ही नहीं चाहिए। कुछ लोग कहते हैं सर टाइम टेबल बता दो, टाइम टेबल मैं बताऊं, क्यों बताऊं भाई, वो तो मेरा टाइम टेबल है ना, मुझे पता है कि मुझे ये चीज़ें आती हैं ये नहीं आती हैं, मैंने अपने टाइम में जब किया था तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, तो मेरा जो टाइम टेबल था वो तो अलग था ना, सही बात है कि नहीं।
आपका जो टाइम टेबल होगा अपने हिसाब से होगा। आपको पता है कि आपके वीक पॉइंट क्या है, स्ट्रांग पॉइंट क्या है, आप अपने हिसाब से बनाओगे कि तो जो वीक पॉइंट है उसमें मैं ज़्यादा टाइम दूंगा, जो स्ट्रांग पॉइंट है उसमें थोड़ा कम टाइम दूंगा, तब भी वो स्ट्रांग ही रहेंगे। सही बात है या नहीं है? ठीक है ना। तो सेल्फ असेसमेंट जो है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, जैसे मान लीजिए मैं मतलब एक एग्जांपल लेता हूँ बिसाइड मतलब पढ़ाने के थोड़ा हट के, जैसे मान लीजिए मुझे जाके पंचर बनाना सीखना है। पंचर जान रहे हो ना, जो ऐसे साइकिल का टायर अगर पंचर हो जाए या उसमें कुछ स्टिच लग जाए, उसमें हवा रुके ही ना, ठीक है ना, उसको बनाना सीखना है। ठीक, अगर मैं ये मान लूँ नहीं यार ये मुझे आती ही नहीं या मैं इसको सीख ही नहीं पाऊँगा, ठीक है ना, या आप खुद को ये भरोसा दिखा लें अरे मैं कर लूँगा, ठीक है, तो क्या आप उसको कभी करोगे? नहीं करोगे ना। ठीक है ना, अगर आपको वो सीखना है तो आपको ये खुद को भरोसा दिलाना पड़ेगा कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं आती और मैं ये कहाँ से सीख सकता हूँ, उसके पास मुझे जाना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं? जो साइकिल स्टोर के भैया हैं जो आपके पंचर बनाते हैं उनके पास आपको बैठना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें वो करते हैं आपको वो करना पड़ेगा, तभी आप पंचर बनाना सीख पाओगे ना। ठीक है ना, मैं पंचर बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ये खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या नहीं आता, क्या आपको आता है, और आपका जो टाइम टेबल होगा, जो आपका गेम प्लान होगा, जो आपकी स्ट्रेटेजी होगी, वो आपकी खुद की होगी। ठीक है ना, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये मोटिवेशन नहीं है, ये सिर्फ आपको एक मैसेज है कि अगर आपको सीखना है तो सेल्फ असेसमेंट करना शुरू कर दो और खुद से झूठ बोलना बंद कर दो। खुद से झूठ बोलने का मतलब ये हो गया, जैसे मैंने एक बनाया था वीडियो जिसमें ऑनेस्टी लिखी थी, है कि नहीं, तो आपने अगर खुद से झूठ बोल दिया कि नहीं मुझे ये चीज़ें आती हैं और आपको आती नहीं है, तो आप उसको कभी जीवन में नहीं सीख पाओगे। ठीक है, आप चीज़ों से भाग रहे हो। मान लीजिए आपने कोई चीज़ है कहते अरे यार ये तो हो जाएगा, तो आप उससे भाग रहे हो ना, हो कैसे जाएगा, करो तो देखो, पता लगा नहीं हुआ फिर, है कि नहीं है। तो जब तक कि आपको उसमें 100% आप श्योर ना हो जाए, तो आप उसको करते रहे ना। हाँ, और जो चीज़ आपको एकदम नहीं आती, आप डर रहे हो, ठीक है, और आपके पास अगर टाइम है तो आप क्या करें, उसको बेसिक से पढ़ना शुरू करें ना। जैसे मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी नहीं आती मान लो, तो मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का इतना बड़ा सिलेबस क्यों कर रहा हूँ? मैं पहले इलेक्ट्रोस्टेट करूँगा, चलो इलेक्ट्रोस्टेट से भी छोटा पार्ट, मैं पहले कूलाम फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सिर्फ यही मैं पढ़ूंगा पूरे एमटी में। मान लो मैंने 3 महीने में सिर्फ यही पढ़ा, वो 3 टॉपिक तो आपको आ गए, है कि नहीं? लेकिन आपने खुद से झूठ नहीं बोला तब आपको आए। अगर आप सेल्फ असेसमेंट नहीं करते और दूसरों के कहने पे चलते तो आपको वो भी ना आता। ठीक है भैया, तो ये जो छोटा सा शब्द है ना सेल्फ असेसमेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, अब मैं अपनी कहानी बताता हूँ। मैंने जब तैयारी अपनी शुरू की थी, ठीक है ना, 2017 में, ठीक है भाई साहब, तो 2017 में मैंने फरवरी से तैयारी शुरू कर दी थी, फरवरी मार्च से। अब जो सच्चाई है वो सच्चाई है, ठीक है। तो मेरा 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी था, मतलब 4th सेमेस्टर चल रहा था और मैंने उसी सेमेस्टर में तैयारी अपनी शुरू कर दी थी। तो आपको ये ट्रूथ मैं बताता हूँ, कुछ लोग नहीं विश्वास करते हैं कि मुझे अगर कोई कह दे कि F=MA पे क्वेश्चन लगाना है, ठीक है ना, कोई F वेक्टर दे दिया गया और रिलेटिव एक्सेलरेशन का कुछ वेक्टर दे दिया गया, मास दे दिया गया, और मुझे कह दिया गया कि फोर्स आप कैलकुलेट कर दो कि, या मास कैलकुलेट कर दो बॉडी का कि कितना होगा, ठीक है, या फोर्स कैलकुलेट कर दो कि अगर एक्सेलरेशन इतना है बॉडी का, मास इतना है, तो एक फोर्स कैलकुलेट कर दो, ठीक है ना, तो मैं उसमें भी सोच में पड़ जाता था। ठीक है ना, वेक्टर वेक्टर देख लेता था, डर जाता था, अरे ये क्या दे दिया है। सही बात है, मैं बता रहा हूँ, सही, एकदम 300% सही बात है। मैंने ये चीज़ें खुद के ऊपर अप्लाई की हैं कि सेल्फ असेसमेंट क्या होता है और इसका फ़ायदा क्या होता है। मुझे चीज़ें नहीं आती थी, अगर मैं मुझे आप दे दो ना कि मुझे तो पहली बात तो सबसे बड़ी आपको बात बता दूं, मुझे ये भी नहीं पता था कि इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ लगेगा और लॉ ऑफ मोशन कहाँ लगेगा, मतलब कि जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है वो कहाँ लगेगा और इक्वेशन ऑफ मोशन आपके जो है जिसमें एक्सेलरेशन आपका कॉन्स्टेंट रहता है वो कहाँ लगेगा, ये भी तक नहीं पता था, मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं BSc के 4th सेमेस्टर में पहुँच गया था, ठीक है, IIT JEE का एग्ज़ाम था, नहीं पता था मुझे कैसे होगा, लेकिन मेरे मन में, आपको बता दूँ सच्चाई है ये, मेरे मन में सिर्फ यही था कि यार नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो सीखूंगा ही। लेकिन नहीं, कुछ लोग मेरे पास मैसेज करेंगे, कहेंगे सर ऐसा बता दो कि मैं TIFR में सेलेक्ट हो जाऊं। मैंने पेपर बनाया, मैं कैसे बता दूं? मैंने पेपर बनाया है ये बताओ, नहीं बनाया ना, मैं कैसे, मैं तो आपको पाथ बता सकता हूं ना कि इस पाथ से चलोगे TIFR में शायद सिलेक्शन हो जाए,
ठीक है ना। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर ये आप बता दो कि आपका चैनल फॉलो करूंगा तो मैं TIFR में सेलेक्ट हो जाऊंगा। नहीं, आप मेरा चैनल फॉलो कर लो, आप HC वर्मा सर का चैनल फॉलो कर लो, आप अनंत लोगों का चैनल फॉलो कर लो, आप कभी नहीं TIFR में जा सकते जब तक आप सेल्फ एनालिसिस नहीं करोगे और ये आप नहीं एश्योर कर लोगे कि आपको अपना स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, आपको अपना गेम प्लान कैसे बनाना है, आपको क्या चीज़ें नहीं आती उसके हिसाब से चलोगे ना। चैनल फॉलो करके कोई बुक पढ़ के कह दिया कि सर मैं ये बुक पढ़ लूँ मेरा सिलेक्शन हो जाए, नहीं होगा। ये डिपेंड नहीं करता, डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड करता है कॉन्सेप्ट पे। पता चला आपने वो बुक पढ़ी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो बुक पढ़ने से थोड़ी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है कि नहीं है, ठीक है। या किसी का लेक्चर देख लिया आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं हुआ तो मतलब कि वो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, उस पर क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं कर पाओगे। तो ये जरूरी नहीं है कि आपने वो लेक्चर देख लिया आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये गंदे क्वेश्चन मुझसे पूछना बंद कर दो कि सर मैं ये पढ़ लूँ तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं बता सकता। जो ये बता रहा है ना कि इतना पढ़ लो और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा या ये कर लो और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, कहते हैं ना कि बस इतना कर लो और तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है, नहीं, ये होगा, ये हो सकता है, लेकिन आप अगर वो चीज़ें ईमानदारी से करो और सेल्फ एनालाइज करके करो, ठीक है ना। जैसे मैं भी कहता हूँ कि फार्मूला बुक बना लो और 10 साल का पेपर कर लो, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाओगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपने क्या किया, 10 साल का पेपर सॉल्व किया लेकिन जिस तरीके से मैंने कहा था उससे नहीं किया। फिर आप मेरे पास मैसेज करोगे सर मैंने आपने जो कहा था वो तो मैंने किया लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा भैया। और ये सबसे मतलब दुनिया का सबसे गंदा क्वेश्चन मुझे यही लगता है कि सर मुझे ये बता दो जिससे ये हो जाए। अरे यार शॉर्ट ट्रिक आपको चाहिए क्यों, कुछ सीखने के लिए करो ना, टाइम है, ठीक है। तो आप चीज़ें सीखने के लिए पढ़ो, आप उसको एक ट्रिक के तरीके ना पढ़ो, ये आप जान लीजिए, ठीक है ना। जैसे मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है एक महीने में, तो आप वो अगर टाइम दे के पढ़ने लग जाएंगे तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, तो ये मैं मान सकता हूँ। लेकिन आपके पास अगर टाइम है, ठीक है, आपके पास अगर 4 महीने 6 महीने अगर आपके पास टाइम है तो लग के क्यों नहीं पढ़ते, क्यों ट्रिक ढूंढ रहे हो, क्यों ये कह रहे हो कि ये पढ़ लूंगा तो हो जाएगा सिलेक्शन। तो देखो आप सिलेबस क्या है उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करो, ठीक है, कॉन्सेप्ट अपने बनाओ। अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो कम से कम ये सीख जाओगे ना कि चीज़ें कैसे होती हैं, क्या क्या चीज़ें आपने सीखी हैं, जो आपको पहले नहीं आता तो आपको आने लगा, ये तो सीख रहे हो ना। तो हमेशा लर्निंग वाला जो मोड है ना वो अपना ऑन करके चला करो, ठीक है। और कोई भी चीज़ अगर सीखने जाओ तो खुद को ये एहसास दिलाओ कि मुझे कुछ नहीं आता, तभी आप वो चीज़ ज़्यादा गेन कर पाओगे, ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना कि घड़ा जब खाली होगा तभी उसमें पानी भर पाओगे, पहले से ही भरा है, खुद को एहसास दिला रहे नहीं ये तो मुझे आता है, तो कुछ नहीं सीखो, घंटा सीख पाओगे कुछ, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। तो ये ट्रूथ है, भले ही गंदा लगे लेकिन ये ट्रूथ है। और मैंने भी अपनी कहानी बताई कि मुझे भी कोई चीज़ नहीं आती थी, एक चीज़ नहीं आती थी, लेकिन हाँ मेहनत किया, सेल्फ एनालिसिस किया कि नहीं हाँ नहीं आता ये कोई बात नहीं है, सिलेक्शन नहीं होगा कोई बात नहीं, लेकिन हाँ मैं ये करके सीखूंगा। तो आपको बता दूं जैसे मैं कोचिंग में बैठा रहता था, करियर एंडेवर मैंने कोचिंग की थी, तो मैं ऐसे कोचिंग में बैठा रहता था, सर क्वेश्चन देते थे, ठीक है, सब ने लगा लिया, मेरा क्वेश्चन लग रहा है अभी, ठीक है ना, 10-12 बच्चों ने लगा के बता दिया सर इतना आंसर आएगा और मैं लगा रहा हूँ, ठीक है, मेरा वो आंसर आ रहा है 2 घंटे बाद, लेकिन हाँ तब भी मैं खुद को खुश रखता था, कैसे कि यार कम से कम मुझसे वो क्वेश्चन हुआ तो है कि नहीं। जो क्वेश्चन मुझे 3 महीने 4 महीने पहले आप दे देते हवा ना लगती, वो क्वेश्चन आज मुझसे हुआ तो भले 2 घंटे लगे 4 घंटे लगे लेकिन हो गया ना, ठीक है ना। तो खुद की एनालिसिस किया ना, खुद को कहा ना कि हाँ भैया ये 2 घंटे में मुझसे हुआ है, कम से कम क्वेश्चन तो मुझसे हो गया, मैंने कुछ सीखा है कि नहीं है। टाइम मैनेजमेंट तो अपना आगे पीछे हो ही जाएगा, सही बात है कि नहीं है, ठीक। तो आपको भैया सिर्फ और सिर्फ सेल्फ असेसमेंट करना है, लर्निंग मोड हमेशा ऑन करके रखना है, और कोई भी चीज़ सीखने जाओ तो आप अपना दिमाग खाली करके जाओ कि अगला जो पढ़ा रहा है उससे मैं कुछ चीज़ गेन कर सकूं, ठीक है ना। और पढ़ाई में ईगो कभी मत लाना, ठीक है ना। कोई अगर छोटा भी आपसे आपको कुछ भी बता रहा है तो आप उसको गेन करें, आप उसको समझें कि क्या बता रहा है, शायद आपका आपके काम आ जाए, ठीक है। तो यही तो भैया सेल्फ असेसमेंट, इतनी बड़ी कहानी मैंने बता दी, ठीक। अगर आपने ये कहानी सुनी है तो बहुत बहुत धन्यवाद, शायद कुछ सीखने को भी मिला होगा। और आपकी अगर ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं, ठीक है ना, आपने कुछ सीखा है जो आपको नहीं आता था, तो आप ज़रूर शेयर करें, मैं इसको पिन करूँगा, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ और सिर्फ यही सजेशन देने आया था, मैं चलता हूँ, धन्यवाद।